इवनिंग माय डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आखिरी वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही आपने सुना, वो सभी स्टूडेंट जो मेरी ये बात आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नाइन्थ क्लास की साइंस की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के मैं इससे पहले कई सारे वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। और जिन्हें नहीं पता है फटाफट से बता देता हूं, सबसे पहला लेक्चर था जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस करा था व्हाट इज मैटर। दूसरा वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने बात करी थी व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। और तीसरा वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स वन स्टेट टू अदर स्टेट, कैसे सॉलिड से लिक्विड में, कैसे लिक्विड से सॉलिड में वापस, और सॉलिड से गैस में, और गैस से वापस लिक्विड में। कहने का मतलब कि किन 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 स्टेजेस से एक स्टेट ऑफ मैटर गुजरता है जब उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश की जाती है बाय यूजिंग टू पैरामीटर्स, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर को बदलकर, कैसे टेम्परेचर और प्रेशर को बदलकर एक स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर, अगर ये सब कुछ आप बता चुके हो कि आपने बता दिया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ना 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 ना, इवेपोरेशन नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने ये इवेपोरेशन वर्ड बोला तो यही वो एक ऐसा प्रोसेस है जो बताना बाकी है। तो चलिए वापस अपनी बात पे आता हूं। मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज बॉइलिंग, मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज मेल्टिंग, मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज फ्रीजिंग, मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज फ्यूजन, मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज वेपराइजेशन, ये सारी चीजें, इनफैक्ट कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सब कुछ बता चुका हूं। फिर अगर कुछ बाकी है बताना तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। और इस आखिरी वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको यही बताऊंगा कि व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री की इस यूनिट को खत्म कर देगा। और फिर मैं लौट के आऊंगा बहुत जल्दी एक नई यूनिट के साथ, जिसमें मैं आपको नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसका नाम है इवेपोरेशन। सो टुडेज वीडियो लेक्चर इज लास्ट वीडियो लेक्चर। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, आज का वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर है ऑफ नाइन्थ क्लास, ऑफ नाइन्थ की केमिस्ट्री, ऑफ नाइन्थ की केमिस्ट्री की पहली यूनिट। बिल्कुल सही आपने सुना, नाइन्थ की केमिस्ट्री की पहली यूनिट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका आज आखिरी वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम है इवेपोरेशन। क्या नाम है बच्चों? इवेपोरेशन। अब इस इवेपोरेशन को समझाने के लिए, ये वर्ड आपने बचपन में पहले भी सुना है, ये वर्ड आपने बचपन में पहले भी सुना है, तो इस इवेपोरेशन को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि लेट अस से कि मैंने एक इस तरह से एक चाइना डिश ले ली, चाइना डिश कह लीजिए या प्लेट कह लीजिए, और इस चाइना डिश में मैंने चाइना डिश में पानी रख दिया, और ये चाइना डिश मैंने एक और ली और इस चाइना डिश में भी मैंने पानी रख दिया। एक छोटा सा बर्तन होता है चाइना डिश, जो कि लेबोरेटरी में केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी मैंने, लेट अस टेक, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस टेक 100 ग्राम पानी, मैंने इसमें पानी लिया 100 ग्राम पानी, और मैंने इसमें लिया लेट अस टेक 100 ग्राम पानी, लेट अस टेक 100 ग्राम पानी। अब होगा क्या, इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, आई रिपीट माय समय, कुछ समय के लिए, मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, कुछ समय या कुछ दिनों के लिए, कुछ समय या कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए।
कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, लीव कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए और इसे इसे कुछ हीट देकर, आई रिपीट माई सेंटेंस, कुछ हीट देकर, आई रिपीट माई सेंटेंस, कुछ हीट देकर गर्म किया जाए। एक बच्चा कहता है सर उससे क्या होगा, होगा क्या अगर मैं इस चाइना डिश को नीचे से हीट प्रदान करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे हीट प्रदान कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हीट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन। बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी लिक्विड स्टेट को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे देन द वॉटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, आई रिपीट माई सेंटेंस, द वॉटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट विल एंटर इन टू द वेपर स्टेट, विल एंटर इन टू द वेपर स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट से पार्टिकल्स तब्दील हो जाएंगे किस स्टेट में, वेपर स्टेट में। और जब ये उबल जाएगा, उबलने को कहते हैं उबल जाएगा, तो उबल जाने को बॉइलिंग कहा जाएगा। और जब ये उबल जाएगा तो उबल जाने को बॉइलिंग कहा जाएगा, उबल जाने को बॉइलिंग कहा जाएगा, यानी जब पानी उबल जाएगा, ये आप जानते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑन प्रोवाइडिंग हीट सच दैट द लिक्विड बिगिंस टू बॉइल And slowly. No, the process does not happen slowly and slowly. Rather, किसी भी पानी को जब आप गर्म करते हो तो कुछ ही मिनटों में वो तुरंत वेपर में तब्दील होना शुरू कर देता है, और थोड़ी देर और ज्यादा तक अगर आप गर्म करोगे तो कुछ ही मिनटों में वो काम हो रहा होगा कुछ इस प्रकार कि पूरा पानी आपको उबलता हुआ नजर आ रहा होगा। हम सब ने अपने घरों में पानी को उबलते हुए देखा है, अगर नहीं देखा है तो आज घर में किचन में आप ये छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेना। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिलेगा। जब आप किसी बर्तन में या किसी केटल में पानी लेकर गैस पे रखोगे और उसे ऑन करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि गैस ऑन करते ही पानी हवा में उड़ जाएगा। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि पानी की जो ऊपरी सतह है वहां पे बबल्स इकट्ठे होने शुरू हो गए। दिस मीन्स कि द पार्टिकल विच आर इनिशियली प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट हैव नाउ गेन्ड इनफ काइनेटिक एनर्जी दैट दे हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द वेपर स्टेट। एज द प्रोसेस प्रोसीड्स, जैसे जैसे कुछ मिनट और बीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट या हो सकता है 15 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पानी कितना लिया है। कम मात्रा का पानी जल्दी उबल जाता है, ज्यादा मात्रा का पानी थोड़ा सा समय लेता है उबलने में। आप नोटिस करोगे माय डियर स्टूडेंट्स कि थोड़ी देर बाद पानी के सभी पार्टिकल्स में बुलबुले उठने लग गए, यानी वो सभी के सभी एक साथ वेपर स्टेट में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। दिस प्रोसेस बाय विच वी बॉइल द वॉटर एंड टेक इट टू सच टेम्परेचर और वी प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दैट इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन एंड द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। एक बच्चा जानते हो क्या बोला कि मास्टर आप भूल गए हो, हमारा टॉपिक बॉइलिंग नहीं है, हमारा टॉपिक इवेपोरेशन है। मैं जानता हूं बच्चों कि हमारा टॉपिक बॉइलिंग नहीं है, हमारा टॉपिक इवेपोरेशन है, लेकिन इवेपोरेशन के टॉपिक को बिना बॉइलिंग रिवाइज करे शायद मैं समझाना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक छोटा सा और मामूली सा फर्क है जो आपको समझने में मदद करेगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। पानी का हवा में उड़ जाना जब उसे गर्म किया जाए तो उसे बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं, लेकिन पानी का हवा में उड़ जाना बिना उसे गर्म करे, तब अगर वो हवा में उड़े या तब अगर उसके वेपर्स बने तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन नहीं कहते, रैदर उसे वेरी स्लो वेपराइजेशन कहते हैं। एक बच्चा कहता है बात तो वही है ना, वेपर तो बनी रहे छोटे छोटे, धीरे धीरे कम कम बन रहे तो क्या हुआ। अरे नहीं मेरे बच्चों, ये प्रोसेस इतना स्लो है कि शायद इसे ऑब्जर्व करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है कि कुछ घंटे लग जाए, हो सकता है कि कुछ दिन लग जाए, हालांकि कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। पहले जान लेते कि प्रोसेस क्या है, फिर जानेंगे कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई एम टीचिंग यू द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वॉटर इनटू द लिक्विड स्टेट विदाउट एनी हीट या विदाउट एनी बॉइलिंग और विदाउट एनी सोर्स ऑफ हीट, बिना किसी गर्माहट प्रदान करे, मतलब बिना गर्म करे अगर पानी किसी भी तापमान पे आराम से
वेपर स्टेट में जा रहा है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। सर साफ साफ बोलो ना, पड़े पड़े पानी का उड़ जाना। लेकिन पड़े पड़े कहां पानी होता है? अगर आप रात को अपने घर में बाथरूम में पानी का बाल्टी भर के रखते हो तो क्या सुबह पानी उड़ जाता है? बिल्कुल नहीं उड़ता। एक बच्चा कहता हाँ बिल्कुल नहीं उड़ता, लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा नहीं है। पानी इतना कम उड़ा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अब इस प्रोसेस को अगर आपको थोड़ा फास्ट तरीके से देखना है तो सबसे अच्छा तरीका है, हमारे घरों में हम पोचा लगाते हैं। पोचा आपने देखा होगा, जमीन पे पोचा लगाया जाता है। जब जमीन पे पोचा लगाया जाता है तो पानी को जमीन पे गीला पोचा करके जब जमीन पे लगाया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में कोई भी सफाई करते समय ये कहता है कि भाई पोचा लग रहा है, थोड़ा ऊपर हो जाओ और पंखा चला दो। उससे क्या होगा, पंखा चलाने से पोचा जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर पंखा नहीं चल रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि पोचा जब आप लगाओगे जमीन पे और जमीन जो गीली हुई थी वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगी? बिल्कुल सही। तो क्या किसी ने जमीन में आग लगाई है? क्या किसी ने जमीन को गर्म किया है? नहीं, rather the water molecules which have formed a very thin layer, on the ground surface have absorbed the heat from the surrounding on their own. आपने हीट उन्हें प्रदान नहीं करी, rather उसने खुद ब खुद सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करी और ऑटोमेटिकली वेपर स्टेट में वो एंटर कर गया। यानी गर्माहट प्रदान कर अगर किसी चीज को गर्म करके उबाला जाए तो उसे उबालपन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं। लेकिन बिना गर्माहट किए या बिना कुछ किए अगर कोई चीज खुद ब खुद सराउंडिंग से हीट लेकर अपने आप को वेपर स्टेट में जा रही है तो एक बच्चा कहता है कोई भी चीज क्यों बोल रहे हो? लेट अस से एनी लिक्विड। सो इफ एनी लिक्विड enters into the vapor state, any liquid if enters into the vapor state at any temperature, not necessarily at its boiling point, सिर्फ उबालने पर ही वो vapor state में जाए जरूरी नहीं है। बिना उबालने वाले temperature पे जाए भी अगर वो vapor state में चला जाता है तो भी उस process को evaporation ही कहा जाएगा। जब तक आप उसे heat प्रदान करके उबालोगे नहीं तब तक उसे boiling नहीं कहा जाएगा। तो I hope मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया कि इवेपोरेशन का क्या मतलब है। तो इवेपोरेशन का बहुत सिंपल मतलब है पड़े पड़े पानी का किसी भी तापमान पे इवेपोरेट हो जाना या वेपर स्टेट में जाना। तो डेफिनेशन क्या होती है, अब सुनो डेफिनेशन क्या होती है। इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ दैट फिनोमेना, या हम कह सकते हैं इवेपोरेशन इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस इन विच a liquid state enters into the vapor state at any given temperature without the direct intake of heat, yani bina direct heat diye wo kisi bhi tapman mein jab koi liquid vapor state mein jata hai ya ja sakta hai to use evaporation kaha jata hai. ab sawal aata hai sir ye to bahut chhota sa farak hai, kya boiling mein aur evaporation mein aur koi farak nahi hai? farak hai. तो चलिए अब मैं आपको बॉइलिंग और इवेपोरेशन में मेन जो डिफरेंसेस हैं वो बताता हूं। तो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में एक चीज हो रही है कि लिक्विड वेपर में जा रहा है। इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर में जा रहा है और बॉइलिंग में भी लिक्विड वेपर में जा रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है और व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? तो मैं आपके सामने आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। इसे कहते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्लास नाइन्थ के मेजर डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन एग्जाम में कम से कम भी तो आपको 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सो क्या डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, उसका मैं टेबुलर फॉर्म में आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर बताऊंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बॉइलिंग क्या है। It is a process or phenomena in which a liquid state enters into gaseous state.
in which a liquid state enters into gaseous state, यानी liquid state enter करता है gaseous state में, किस तापमान पे? At its boiling point, यानी boiling point पे. Therefore, हम कह सकते हैं कि it is an endothermic process. एक बच्चा बोला ये endothermic word का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही. हो सकता है कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए या आप लोगों के लिए वर्ड पहली बार हो. एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट दी जाती है या हीट प्रोवाइड की जाती है. केमिस्ट्री की दुनिया में दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं मेरे बच्चों. एक वर्ड जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, एक वर्ड जिसे कहते हैं एंडोथर्मिक. फर्क क्या है सुनो. एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एवॉल्व होती है, या हीट एवॉल्व होने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही. लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट प्रदान की जाती है. और यहां पे साफ पता चल रहा है कि हीट प्रदान की जा रही है, तो हीट यहां दी जा रही है, इसलिए बॉइलिंग का प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एक बच्चा कहता है तो क्या इवेपोरेशन में हीट नहीं देते? हम नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है एट एनी टेम्परेचर. ये प्रोसेस हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे हो ये जरूरी नहीं है. आओ तो फिर उस हिसाब से अगर ये प्रोसेस लिक्विड स्टेट को गैसीय स्टेट में ला रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे, सो सर व्हाट वुड यू लाइक टू राइट अबाउट इवेपोरेशन? तो इवेपोरेशन में कहना चाहूंगा It is a process or phenomena in which liquid state, enters into gaseous state At any given temperature, किसी भी तापमान पे ये प्रोसेस हो सकता है. Not necessarily by boiling point. In this process, the liquid absorbs heat on its own. वो खुद ब खुद हीट एब्जॉर्ब करता है. कहां से? From the surrounding. अगर वो खुद ही गर्म होगा तो उसके लिए हवा में उड़ना आसान होगा, और अगर वो नहीं होगा तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग. इसे कहते हैं इवेपोरेशन. आओ एक बॉइलिंग के दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं. बॉइलिंग के दूसरे प्रोसेस है, इट इज अ फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस. फास्ट एंड वायलेंट का मतलब होता है फटाफट हो जाता है एंड पानी उबल जाता है. इसके अंदर मैं बात करूं, इट इज अ वेरी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस. ये भागता नहीं है, आराम आराम से होता है. कभी कभी इतना धीरे होता है कि पता ही नहीं चलता. यही वजह है कि अगर एक बाल्टी में पानी रख दिया जाए या चाइना डिश में पानी रखा हुआ 4-5 दिनों तक रख दिया जाए, और किसी जगह पे आप आते हो और 4-5 दिन आप बाद देखते हो कि वहां का पानी वहां पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो हो सकता है आपको पानी कम मात्रा में मिले, या हो सकता है कि आपको पानी बिल्कुल ना मिले. हम सब जब बाथरूम से नहा के बाहर निकलते हैं, भले हम लोगों ने बाथरूम का पानी वाइप ऑफ ना किया हो, फिर भी शाम होते होते या कुछ घंटे बीतते बीतते बाथरूम का पानी ऑटोमेटिकली सूख जाता है. तो क्या आपने बाथरूम में गर्माहट पैदा करी थी? क्या आपने बाथरूम में हीटर चलाया था? नहीं. सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके ऑटोमेटिकली वॉटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे मौजूद है वो इवेपोरेट हो जाते हैं. ये आप अच्छी तरह जानते हो कि इवेपोरेशन इतनी आसानी से तब नहीं होगा जब पानी बहुत मात्रा में होगा. कम मात्रा में पानी होता है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन जनरली ऊपर के मॉलिक्यूल से होता है. लेकिन बॉइलिंग का प्रोसेस एक बल्क फिनोमेना है,
एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पूरा पानी एक साथ उबलता है, लेकिन इवेपोरेशन में पूरा पानी एक साथ नहीं उड़ता है, सिर्फ ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं जो आसानी से उड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पानी उड़ जाएगा। हाँ, अगर पानी की मात्रा कम है तो पूरा उड़ जाएगा, लेकिन सरफेस पे होता है, लेकिन आपका बॉइलिंग पूरे वाटर में होता है। तो ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट लिखे हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बारे में, ये बहुत बेसिक आपको एक आइडिया देते हैं। आइए तीसरे पॉइंट की बात करूं। बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन द एंटायर लिक्विड। बॉइलिंग टेक्स प्लेस, आई रिपीट माई सेंटेंस, टेक्स प्लेस इन एंटायर लिक्विड, पूरे लिक्विड में होता है। बॉइलिंग टेक्स प्लेस इन एंटायर लिक्विड, व्हेयरएज इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। आई रिपीट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इज अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना मतलब कि पानी की, आई रिपीट माई सेंटेंस, कि पानी की ऊपरी सतह पे होता है, पानी की ऊपरी सतह पे होता है, पानी की ऊपरी सतह पे होता है ये फिनोमेना, जिसे कहा जाता है इवेपोरेशन। सो माई डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैंने टेबुलर फॉर्म में तीन पॉइंट लिख दिए हैं, बॉइलिंग के तीन पॉइंट लिख दिए हैं, इवेपोरेशन के तीन पॉइंट लिख दिए हैं। ऐसे नहीं है कि मैं और पॉइंट नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मैंने आपको मेजर पॉइंट बता दिए हैं। अगर आप मुझसे थोड़े से पॉइंट और सुनना चाहते हो तो बेझिझक सुनो। बॉइलिंग का प्रोसेस किसी स्पेसिफिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इवेपोरेशन का प्रोसेस कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग कहता है भाई मैंने बॉइल होना है, मतलब होना है, तो मेरे टेम्परेचर पे मुझे बॉइल कर दो, मैं बॉइल होके रहूंगा। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो भैया वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, चाहे वो पानी तुम्हारा एक गिलास पानी हो, चाहे वो तुम्हारा एक गिलास की जगह एक बाल्टी पानी हो। बात लगे कि एक बाल्टी पानी को उबलने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उबलेगा तो 100 डिग्री पे ही ना। इवेपोरेशन कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉइलिंग कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पे आज सच डिपेंड नहीं करता। वो फिक्स्ड प्रोसेस है कि भाई इस तापमान पे तुम ले जाओ, पानी को तुम गर्म करो और वो उबल जाएगा। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर का वो टॉपिक, इनफैक्ट वो क्वेश्चन या वो स्टेटमेंट या वो मुद्दा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसे हम कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इससे पहले कि मैं आपको बोर्ड पे सारे फैक्टर्स लिख कर दिखाऊं, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं पहले वर्बली ही समझा दूं, क्योंकि अगर मेरे वर्बली समझाने पर ही आपको समझ आ गया तो शायद जब मैं दोबारा लिखूंगा आपको डबल अंडरस्टैंडिंग के साथ डबल समझ आएगा। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अब मैं आपको फैक्टर समझाने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, और आप उन रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स को आसानी से अपनी जिंदगी से कोरिलेट करके मेरी बात को जल्दी समझ पाओगे। सुनो बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से। चाय आप में से हो सकता है कुछ लोग पीते भी हैं और हो सकता है कुछ लोग नहीं भी पीते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक आदमी चाय पी रहा है कप में और एक आदमी चाय पी रहा है प्लेट में डालकर। एक आदमी चाय पी रहा है कप में, एक आदमी चाय पी रहा है प्लेट में डालकर। मेरा सवाल कि किसकी चाय जल्दी ठंडी होगी? हो सकता है आपको जवाब आता हो और हो सकता है आपको जवाब ना आता हो। चलो विजुअलाइज करते हैं कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। तो हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हमारा सबसे पहला टॉपिक, हमारा सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन ये टॉपिक क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इस वीडियो लेक्चर और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि इस यूनिट का आखिरी टॉपिक यही है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सबसे पहला फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि वो जगह जहां पे पानी मौजूद है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक कप चाय है, एक कप चाय है, और मैं कहता हूं कि मेरे पास एक प्लेट में चाय है और गरम गरम चाय है,
तो जो गरम गरम चाय यहां मौजूद है उसका धुआं यहां से निकलेगा, उसका धुआं यहां से निकलेगा, लेकिन जो गरम गरम चाय यहां मौजूद है उसका धुआं यहां से लेके पूरा का पूरा मेरे बच्चों यहां तक निकलेगा। सो आप आराम से देख सकते हैं कि यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण, सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण लिक्विड के पार्टिकल्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, लिक्विड के पार्टिकल्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। और यही वजह है कि हमारे घरों में जब हम कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के बाद कपड़ा अछाला जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कपड़े को अछालना क्या कहते हैं, मतलब जब आप कपड़ा धोते हो, निकालते हो, निचोड़ते हो, उसमें से पानी निकालते हो, फिर उस कपड़े को खोलते हो और रस्सी पे डालते हो, या ऐसे का ऐसे ही कोई कपड़ा निचोड़ के ऐसे ही रख देते हो कि भाई तू सूख जा, आपको क्या लगता है ऐसा कपड़ा सूख पाएगा? बेशक नहीं सूख पाएगा, क्योंकि उसको सरफेस एरिया नहीं मिल रहा है इवेपोरेट होने के लिए। यही वजह है कि आप एक कमरे में पानी की बाल्टी का पानी ऐसे फैला दीजिए और उसी कमरे में उस पानी को फैलाने के बाद वाइपर से स्प्रेड कर दीजिए, तो आप नोटिस करोगे कि जब आप उस कमरे में बाल्टी से फेंके हुए पानी को वाइपर से स्प्रेड करोगे तो वाइपर से स्प्रेड करने के बाद या पोचे से स्प्रेड करने के बाद वो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो आई होप आपको इवेपोरेशन को कंट्रोल करने वाला पहला फैक्टर समझ आया कि हाउ डज सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो पहले फैक्टर से हमें क्या पता चला, तो पहले फैक्टर को एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया और एग्जाम्पल से समझाने पर हम यहां साफ साफ लिख सकते हैं दैट ग्रेटर द सरफेस एरिया, हम यहां लिख सकते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ग्रेटर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेट होने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। बोलो मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट होगा? शाबाश। आइए बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, इसे हम कहते हैं तापमान, टेम्परेचर। बच्चा बच्चा जानता है भाई, टेम्परेचर का मतलब यहां पे वो वाला टेम्परेचर नहीं है जो हीट हम प्रदान कर रहे हैं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हुआ तो पानी इवेपोरेट जल्दी होगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर द टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द, ग्रेटर विल बी द, ग्रेटर विल बी द, ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड दस greater will be the evaporation and thus greater will be the evaporation and हम कह सकते हैं कि evaporation भी उतना ही ज्यादा होगा। सवाल आता है सर कोई example दो। अरे बच्चा बच्चा जानता है कि जब आप बाहर कपड़े सुखाते हैं तो आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि बाहर धूप आ भी रही है या नहीं आ रही है। धूप जब आती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि धूप आने का मतलब कि सूरज के प्रेजेंस के कारण वातावरण का तापमान अभी ज्यादा है। तो आप कपड़ों में आग नहीं लगा रहे हो, लेकिन आप कपड़ों में उसे ऐसा माहौल दे रहे हो जिस माहौल में रहकर वो अपने सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर अपने पास मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स को हवा में उड़ाने में सक्षम होगा। यानी वॉटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ क्लोथ और फ्रॉम अ कपड़ा विच इज बीइंग ड्राइड अप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल ड्राई अप मोर फास्टर एज कंपेयर टू अ डे ऑन विच देयर इज लेस सन। एक बच्चा कहता है तो क्या हुआ, सूरज नहीं भी है तो क्या हुआ? वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सूरज के अलावा। एक बच्चा कहता है क्या? वेरी सिंपल बच्चों, हवा। हवा चलेगी तो और आसानी से आपके पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होने में आसानी होगी। यही वजह है कि जब आप
गरम चाय पी रहे होते हो या कभी भी कोई आपकी चीज आगे आपके गरम होती है या कोई चीज गरम को ठंडा करने की कोशिश करते हो, हम सब फूंक मारते हैं। क्या कोई ठंडक निकल रही है हमारे मुंह से? नहीं। द विंड पार्टिकल्स, द विंड, द एयर हेल्प्स द पार्टिकल्स टू मूव फास्टर एंड इवेपोरेट इमीडिएटली इन एयर। इसलिए जिस दिन हवा चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। यही वजह है कि जब आपको खूब सारी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद गर्मी लगती है और पसीना आता है तो आप हवा करते हो कि भाई हवा चाहिए, कैसे भी करके बस हवा मिल जाए ताकि जो गर्मी के कारण आ रहा है पसीना वो फटा से फटाफट हवा में मिल जाए और फटाफट से फटाफट वेपर बन जाए। यही वजह है माय डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा फैक्टर जिसे हम कहते हैं विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी इज द तीसरा फैक्टर which affects the rate of evaporation. तो हम साफ साफ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, greater the wind velocity, greater the wind velocity, greater the wind velocity, greater और मुझे कहना चाहिए faster, faster will be the rate of evaporation. Faster will be the rate of evaporation, rate of evaporation, rate of evaporation. लेकिन जानते हो बच्चों, एक बच्चे ने क्या पूछा मुझसे, कहता है सर कभी कभी तो मैंने ऐसा भी नोटिस किया है कि हवा तो चल रही होती है लेकिन कपड़े नहीं सूखते। मैंने कहा क्यों भाई, हवा चल रही है लेकिन कपड़े नहीं सूख रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बारिश तो नहीं आने वाली है? बिल्कुल सही आपने सुना। कई बार आपने नोटिस किया होगा बच्चों कि जब मौसम बड़ा सुहावना होता है तो सूरज देवता तो जा चुके होते हैं लेकिन जब मौसम सुहावना होता है तो तेज हवाएं चल रही होती है, और अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि तेज हवाएं अपने साथ उन बादलों को लेकर आती हैं जो बादल पानी बरसाते हैं। क्या ये हवा आपके कपड़ों को सुखाने में काम आ सकती है? एक्चुअली में नहीं आएगी, क्योंकि ये हवा लिमिटेड समय के लिए है। ये हवा एक्चुअली वो हवा है जो अपने साथ उन बादलों को ला रही है जो बादल थोड़ी देर बाद पानी बरसाने वाले हैं। अरे जब बादल हवा के साथ आकर वातावरण में पानी बरसा देंगे तो पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होंगे। अरे जब हवा में पानी बरसने के बाद हवा पानी से भर जाएगी तो आपके कपड़ों से पानी की बूंदें कैसे उड़ जाएंगी? यही वजह है कि व्हेनेवर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर, मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, जब तेज हवाएं बादलों को लेकर आएंगी तो बादलों से पानी बरसेगा, जब बादलों से पानी बरसेगा तो हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स फॉर्म में पहले से मौजूद होंगे। जब पानी के मॉलिक्यूल्स हवा में वेपर की फॉर्म में पहले से मौजूद होंगे तो जिस कपड़े को या जिस भी चीज को आप सुखाने की कोशिश कर रहे हो या जिस भी चीज का इवेपोरेशन आप करने की कोशिश कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में आसानी से नहीं जा पाएंगे क्योंकि पहले से वहां कोई है। भाई जिस बस में पहले से भीड़ होगी क्या आप उसमें चढ़ पाओगे? नहीं। जिस सीट पे पहले से कोई बैठा होगा क्या वहां बैठ पाओगे? नहीं। तो जिस हवा में पहले से पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो क्या वहां पे आपका पानी या आपके वाटर मॉलिक्यूल्स या आपका कपड़ा उसके वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से ऊपर जा पाएंगे? नहीं। इसी चीज को कहते हैं नया फैक्टर, यानी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ह्यूमिडिटी। दोबारा सुनो, ह्यूमिडिटी को हम जनरली हिंदी में उमस कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पसीना भी ठीक से नहीं आ रहा होता है और आपको बहुत चिपचिपाहट सी गर्मी सी महसूस हो रही होती है, आप कहते हैं दूर हो जाए बस खुला चाहिए हमें। Humidity means the amount of water vapor molecules present in air. जितनी ज्यादा humidity होगी उतना difficult होगा evaporation होना क्योंकि पानी पहले से मौजूद है। यही वजह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अगला factor और सबसे important factor जिसे हम कहते हैं humidity, क्या कहता है ध्यान से सुनो, सिंपल शब्दों में बताऊंगा आपको। ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, आई रिपीट माय सेंटेंस, ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, लेसर, लेसर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेसर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते हो क्या,
एक बच्चा कहता है सर मैंने ना एक ग्लास के अंदर तेल रखा था और मैंने क्या करा, तेल को एक सरफेस पे फैला दिया और एक सरफेस पे पानी फैलाया। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद मैंने नोटिस किया कि पानी तो वहां से उड़ गया लेकिन उस तेल की चिपचिपाहट, इनफैक्ट तेल की परत उस सरफेस पे अभी भी रह गई। क्यों भाई, व्हाई? माय डियर क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स, हर लिक्विड आसानी से वेपर स्टेट में जा पाए ये जरूरी नहीं है। सो दैट इज वाई इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, कि भाई उस लिक्विड का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब होता है क्या वो आसानी से उबल सकता है, क्या वो आसानी से वेपर स्टेट में जा सकता है या वो आसानी से वेपर स्टेट में नहीं जा सकता। जी हाँ, द लिक्विड्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन वोलेटाइल लिक्विड्स एंड द अदर नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच कैन इजिली इवेपोरेट और विच कैन इजिली वेपराइज, वेर एज नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स विच कैन नॉट easily evaporate or cannot easily vaporize. This is the reason that the last factor is a very very important factor. My class 9th ke pyare pyare bachcho, ise hum kehte hain nature of the liquid. I repeat my sentence, few liquids which are volatile in nature, जिनका प्रभाव या जिनका नेचर वोलेटाइल होता है, आर इजीली इवेपोरेटेड और आर इजीली वेपोराइज्ड, व्हेयरएज अदर्स आर नॉट। माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो भी मैंने दिया है ज्ञान, इसे पढ़कर है मेरी गारंटी आप नहीं होंगे परेशान। बोर्ड पे अगर आप नोटिस करें, कुल मिलाकर आपके सामने 5 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर सरफेस एरिया, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर विंड वेलोसिटी और चौथा फैक्टर ह्यूमिडिटी एंड पांचवा फैक्टर नेचर ऑफ द लिक्विड। दीज 5 फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे आपको एग्जाम में एक सवाल, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डिफाइन इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स affecting evaporation। My dear class 9th के बच्चों, समझ आई बात? अब सवाल आता है कि सर evaporation से तालुकात रखने वाले और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? तो जो क्वेश्चन और आ सकते हैं वो आप सुनोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैं लिखवाने में ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, rather समझाने में फोकस करूंगा। What are the other type of questions that may be asked? Conceptual question कहते हैं या reasoning question कहते हैं। पहला, why do we wear cotton clothes in summer? We wear cotton clothes in summer because cotton is a very very good absorbent of the liquid. कॉटन हमारे शरीर के पसीने को आसानी से सोख लेता है। एक बच्चा बोलता है अगर कॉटन हमारे शरीर के पसीने को सोख लेगा तो कॉटन का कपड़ा तो गीला हो जाएगा। हम तो चाहते हैं अगर कॉटन का कपड़ा गीला हो जाएगा तो मुझे भी गीला लगेगा। डोंट वरी, क्योंकि कॉटन हमारे पसीने को आसानी से सोखता है, तो हमारा पसीना या हमारी बॉडी का स्वेट जब कॉटन के सरफेस एरिया पे स्प्रेड होता है, जब कॉटन के सरफेस एरिया पे स्प्रेड होता है तो आसपास का तापमान और आसपास की हवा की गति उसको इवेपोरेट होने में मदद करती है। एक बच्चा कहता है अगर इवेपोरेट हो गई तो इसका क्या मतलब निकालूं मैं, इसका क्या मतलब निकालूं? आपने अक्सर नोटिस किया होगा बच्चों कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो या दौड़कर भागकर आते हो और आपको पसीना आता है, तो पसीना आने के थोड़ी देर बाद जब पसीना सूख जाता है तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। इसे कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यस, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? अरे क्यों ना हो, इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों नहीं होगी? इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हीट एब्जॉर्ब करता है। कहां से? कहीं से भी। तो भाई अगर कहीं से हीट एब्जॉर्ब करेगा या कहीं से भी हीट लेगा, तो जहां से भी हीट लेगा वहां पे हीट की कमी हो जाएगी। जब वहां पे हीट की कमी हो जाएगी तो जहां हीट की कमी होगी वहां ठंडक होती है, तो जहां गर्मी होती है कम वहां ठंडी में होता है दम, जहां रोशनी होती है कम वहां अंधेरे में होता है दम, और जहां शिक्षा की क्वालिटी होती है कम वहां दिखाते हैं हम अपना दम।
यही वजह है कि मैं आपको चीजों को बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। और ये जो चार फैक्टर आपके सामने, चार नहीं पांच फैक्टर आपके सामने मैंने लिखे हैं, इन पांचों फैक्टर पे बेस्ड रीजनिंग सवालों में पहला रीजनिंग सवाल यही है दैट व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, एंड दूसरा सवाल है हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सो हम साफ साफ शब्दों में लिख सकते हैं, इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस और अ फिनोमेना दैट व्हेनेवर टेक्स प्लेस एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सो फ्रॉम व्हेरेवर द हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड देयर विल बी सम रिडक्शन इन टेंपरेचर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द सरफेस विल फील कूल, हेंस इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, सबूत दो। इसका सबसे प्यारा सबूत हमारे घरों में, आजकल शायद हम लोग ऐसा ना करते हो लेकिन एक समय में मटके में लोग पानी पीते थे। मटके को इंग्लिश में कहते हैं अर्दन पॉट, earthen pot, अर्दन पॉट। तो सवाल आता है दैट व्हाई इज द वॉटर केप्ट इनसाइड द अर्दन पॉट इज जनरली कूल। मटके में पड़ा पानी अंदर ठंडा कैसे होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मटका कि जो आउटर सरफेस होता है उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, अंदर रखा पानी उन पोर्स से धीरे 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 बाहर आता है, बाहर आकर बाहर की गर्माहट को एब्जॉर्ब कर कर हवा में उड़ जाता है। तो हीट किसने एब्जॉर्ब करी? पानी ने एब्जॉर्ब करी। लेकिन हीट एब्जॉर्ब कहां हुई? हीट एब्जॉर्ब हुई आउटर बाउंड्री ऑफ अर्दन पॉट पे। तो वो हीट एब्जॉर्ब होके लॉस भी कहां से हुई? बाउंड्री ऑफ द अर्दन पॉट से। तो जब लॉस ऑफ हीट बाउंड्री ऑफ द अर्दन पॉट पे हुआ तो वहां ठंडक तो हो ही जाएगी ना, जब बाहर ठंडक पैदा होगी तो अंदर उसका असर आएगा। यही वजह है दैट व्हाई दिस टेम्परेचर प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम एन अर्दन पॉट। इसी तरह से बहुत सारे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको किताबों में देखने को, पढ़ने को, समझने को, जानने को, पहचानने को, अंडरस्टैंड करने को बखूबी मिल जाएंगे। मेरे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों, मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ये सारी बातें सिर्फ सफिशिएंट नहीं है बल्कि मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बातें सुनने के बाद किताब खोलो ही नहीं। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को यही सजेशन देता हूं दैट व्हेनेवर आई टीच यू You must verify my teachings from book. You must read the book. You must understand the topic. You must clarify your concept. ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए. So with this, I announce the wrap up. और मैं ऐलान करता हूँ खात्मा of physics नहीं chemistry में पढ़े जाने वाली पहली unit matter in our surroundings का. बहुत जल्द लेके आऊंगा हमारी अगली यूनिट जिसमें मैं शुरू करूंगा बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो आपने मुझे दिया इस वीडियो को देखने में उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड गुड बाय।